श्रद्धेय मंच के प्रति श्रद्धा नत और आपके प्रति भी। इतनी सुंदर हिंदी मैंने बड़े वर्षों के पीछे सुनी है, संभव है 30-40 वर्ष के पीछे हिंदी सुनी है। सारा दिन इंग्लिश के वातावरण में रहते हैं, कभी सोचा ही नहीं कि भारत में रहते हैं। तो आज आकर बड़ा एक तो सुखद अनुभव हुआ कि जो विलक्षण प्रकार की भाषा बोली गई, पता नहीं कभी और जीवन में फिर से सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। सब मनीषियों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। मेरी भाषा कितनी सुंदर है, उसमें कितनी गरिमा है, उसमें कितनी अभिव्यक्ति का गांभीर्य है, आज ये अनुभूति हो रही है। और थॉमस जी ने पुस्तक के साथ साथ स्वर भी दिया। हम लोग कहते हैं ब्रह्म घोष है पुस्तक, तो ब्रह्म दर्शन है, जीवन की चर्या है, परंतु जो उसके साथ संगीत दिया वो घोष है उसका। अद्भुत मणिकांचन संयोग है। और ऐसे लगता है कि ये जो पुस्तक मैंने पढ़ी कई स्थानों पर, कामिल बुल्के मेरे बड़े मित्र थे, मेरे पास बहुत आते थे। जब उन्होंने रामायण के ऊपर तुलनात्मक अध्ययन लिखा तो बहुत बार आते थे, तो उनका अनुवाद भी मैंने देखा। वो अनुवाद कठिन है, उसको समझना एक सामान्य भारतीय के लिए सरल नहीं है, परंतु इस पुस्तक में भाषा का माधुर्य भी है और भाषा की अत्यधिक सरलता है। इतनी सरलता और माधुर्य का जो संयोग है वो मुझे लगता है द्विवेदी जी की विलक्षण प्रतिभा है। विलक्षण सौंदर्य प्राय जटिलता के साथ जुड़ जाता है, परंतु इन्होंने इतनी सरलता से लिखा वो सौंदर्य। पंक्तियाँ उसमें अक्षर गिन रहा था मैं, अक्षरों में कहीं कहीं लगता है कि जो हम लोग संस्कृत में जैसे छंद को गिनते हैं वैसे तो नहीं है, परंतु बड़ी एक प्रवाह जो है वो बड़ा विशेष प्रकार का है। जैसे इंग्लिश के अंदर कविता में प्रवाह होता है वैसा प्रवाह है, और साधारण से साधारण ग्रामीण व्यक्ति समझ सकता है। तो मैं समझता हूँ थॉमस जी का जो काम है वो उसको दूर दूर तक, छोटे से छोटे व्यक्ति तक पहुँचाने की क्षमता है इस पुस्तक में। मूल्य इतने सरल ढंग से लिखे गए हैं कि लगता ही नहीं धार्मिक हैं अधार्मिक हैं, जीवन का भाग है। मूल्य जो जीवन का भाग नहीं होता वो मूल्य नहीं रहता। मूल्य तो वो है जो जीवन को एक सूत्र में बांधता है, उसको उठाता है। हम हिंदी में शब्द आज के जो कार्यक्रम है उसको समारोह कहते हैं। उसमें दो भाग हैं, सम और आरोह। आरोह का ऊपर चढ़ना, आरोहण। तो मेरा विचार है ये जो पुस्तक है ये समारोह का भाग ही नहीं, आरोहण का भाग भी है। प्रत्येक सामान्य से व्यक्ति को ईसाई धर्म का क्या चिंतन, मौलिक चिंतन है, उसका प्रतिपादन बहुत सुंदर ढंग से किया गया है। देखिए प्रत्येक धर्म में जो है मनुष्य केंद्र है, ईश्वर कहीं है कि नहीं है ये तो बात मेरे मन में नहीं बैठती। मैं तो क्या कहूँ, वामपंथी विचारधारा से आया हूँ बहुत कुछ, परंतु एक बात निश्चित है कि जो जीवन के मूल्य ईश्वर के कारण टिकते हैं वो और किसी प्रकार से नहीं टिकते। आज के संसार में बहुत बड़ी आवश्यकता होगी जब चारों ओर अत्याचार है, मारपीट है, महिलाओं के प्रति कितना अभद्र व्यवहार है, ये सब देखते हुए जितने जीवन मूल्यों की चर्चा करें उतना अच्छा है। मैं चाहे पहली पुस्तक है जिसके शीर्षक में मूल्य शब्द है, प्रायः इस प्रकार की पुस्तकें नहीं निकल रही कि जो मूल्यों की चर्चा करे। धर्म की चर्चा तो करती हैं, धर्म में अनेक प्रकार की बातें आ जाती हैं, पर जो मूल्य है वो बड़ा निश्चित शब्द है। और ये जो कल्पना है ये पिछले केवल 200 वर्ष की है, जबकि मनुष्य ने सोचा कि मनुष्य धर्म तो करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, श्रद्धा करता है, पर श्रद्धा के साथ साथ जीवन का रूप, श्रद्धा का जीवन में रूप क्या है। श्रद्धा के साथ बहुत कुछ परंपराएं जुड़ी होती हैं, संस्कार जुड़े होते हैं, परंतु मूल्य जो है वो सर्वथा इन बातों से मुक्त हो जाते हैं। वो केवल मनुष्य को के साथ जुड़े रहते हैं, उसके अंदर कोई बाहर का तत्व नहीं होता। मैं समझता हूँ थॉमस जी ने हिंदी भाषा की बड़ी सेवा की है, इतनी सरल भाषा में इतनी अच्छी बातें सुंदर, इतनी ऊँचे विचार लिखना। द्विवेदी जी है ना, दो वेद जानते हैं,
भाषा भी जानते हैं, कठिन भाषा भी जानते हैं, सरल भाषा भी जानते हैं। कुछ ही लोगों में गुण होता है जो सरलता से अपनी ऊंची बात कह सके, तो उनमें बहुत विलक्षण प्रकार का गुण है। ऐसे लगता है कोई ग्रामीण लिख रहा है, ये लगता ही नहीं कि साहित्यिक लिख रहा है। और मैं समझता हूँ उनका वही लेखन का उत्कर्ष है कि वो छोटे से छोटे व्यक्ति के को मुखरित करते हैं, उसको स्वर देते हैं, मौन को स्वर देते हैं। पंगुम लंघयति गिरिं मूकं करोति वाचालम्। जो लंगड़ा भगवान है उसको पर्वत पर चढ़ा देते हैं, केवल चला ही नहीं देते हैं, जो गूंगा उसको स्वर दे देते हैं। तो ये पुस्तक जो है ना, सारे समाज के अंदर एक नई चेतना का प्रारंभ है। और सुंदर छपी है, बड़े अक्षर हैं, पढ़ने में कठिनाई नहीं है, आपको ऐनक भी नहीं चढ़ी पढ़ने के लिए, खुली आँखों से पढ़ सकते हैं। तो जिस प्रकार से चिंतन खुला है, सीमाहीन है, बंधनहीन है, वैसे उसके अक्षर इतने स्पष्ट हैं कि वो मनुष्य के अंदर बाधक ही नहीं पढ़ने में, आप आनंद से पढ़ते रहिए। गांव का व्यक्ति भी पढ़ सकता है। जो नए साक्षर हैं उनको बड़े बड़े अक्षर सिखाए जाते हैं, तो मेरा जो नए साक्षर भी इसको पढ़ सकते हैं। तो बहुत दृष्टियों से बड़ी अद्भुत, सारा का सारा जो सृजन है बड़े विलक्षण प्रकार का अद्भुत सृजन है, जिसमें बहुत सी बातों का समावेश है। और मेरी एक और बात अच्छी लगी कि धर्म को मूल्यों के साथ जोड़ रहे हैं। प्रायः धर्म को जो है कुछ रूढ़ियों के साथ जोड़ते हैं, परंतु मूल्यों के साथ जोड़ना बहुत आवश्यक है। क्योंकि मैं स्वयं भी एक पुस्तक लिखी मूल्यों के ऊपर, बौद्ध धर्म और मूल्य क्या है, तो मुझे इस बात, इस पुस्तक की सर एक मानसिक भूमिका जो वो समझ आती है कि हम लोग धर्म को जीवन के साथ, मूल्यों के साथ जोड़ रहे हैं, उसको रूढ़ियों की जो सीमाएं हैं उनसे बाहर निकाल रहे हैं, जिससे मनुष्य मात्र में जो दुर्भावनाएँ हैं वो सद्भावनाओं में परिवर्तन हो सके। इन शब्दों के साथ हमारे बीच में धर्माचार्य जी बैठे हैं, उनके भी शब्द सुनेंगे। धर्म के अवतार हैं, हम तो लौकिक लोग हैं, वो अलौकिक हैं। कवि तो हमने कवि को भी सुना, थॉमस जी जो सारी वस्तु के रचयिता हैं उनको भी सुना। एक कबीर मनीषी हैं थॉमस। संगीत भी बनाया, ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि संगीत के बिना मनुष्य के मन में कुछ बातें बैठती नहीं हैं। मुझे तो लगता है सारी पुस्तक संगीत में संग्रह का एक सीडी बना देना चाहिए, जिससे कि मनुष्य लेटा हुआ है सुन रहा, पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत सी पुस्तकें, जैसे मैं हूँ, बहुत सी पुस्तकें सीडी पे सुनता हूँ, लेट जाता हूँ आनंद से सुन रहा हूँ एक घंटे दो घंटे। आँख को कष्ट नहीं होता, दिन भर तो पढ़ाई करते हैं तो 5-6 बजे 7 बजे लगता है कि पढ़े ना, आँखों को सुख मिलना चाहिए, तो सुनने में बड़ी सुविधा है। मैं समझता हूँ इस युग की एक बड़ी विलक्षण विशेषता है कि उन्होंने सारी पुस्तकें, बहुत सी पुस्तकें सीडी में चढ़ा दी हैं। नहीं चढ़ाई हैं तो आप चढ़वा लीजिए, तो वो फिर जो है वो कठिनाई नहीं पड़ती। और एक पुस्तक जो 300-400 पृष्ठ की है वो 5-6 घंटे में, अर्थात 5-6 दिन में, 7 दिन में सुनी जा सकती है। तो मेरा एक उनसे आग्रह है कि इस पूरी पुस्तक को सीडी में डाल दें। इन शब्दों के साथ मैं थॉमस जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक नई कल्पना की है, एक धर्म के प्रतिपादन में मूल्यों को स्थान देना। मैं समझता हूँ एक नई दृष्टि आरम्भ हो रही है, और इससे सौहार्द जो है, सौमनस्य है प्रत्येक देश के बीच में, देशों के बीच में, और बुद्धिजीवियों के बीच में, और सामान्य जनों के बीच में एक नया जो है चर्चा आरंभ होगी। प्रत्येक संसार के देश में प्रयास है कि जो छोटे लोग हैं समाज में, जिनको उत्थान का अवसर नहीं मिला, उनको अवसर मिले। परंतु तो इस प्रकार की पुस्तकों से जो सरल भाषा में लिखी है, एक सामान्य व्यक्ति को भी लगेगा कि मैं भी सहभागी हूँ एक बड़े से बड़े धर्माचार्य का। फिर से मैं, पुस्तक अद्भुत है और बहुत सुंदर है, नई दृष्टि लेकर आई है। बाइबल के अंदर जो हिंदी के जितने अनुवाद हुए हैं बड़े कठिन हैं समझ में, इसमें कोई कठिनाई नहीं। धन्यवाद।